एक साल से भी ज़्यादा हो गया है जब कोविड की फर्स्ट वेव ने दुनिया को हिट किया था। आज अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव आई है तो सबसे ज़्यादा इंडिया इम्पैक्टेड है। एक बात तो पक्की है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। कोविड के पेशेंट के सबसे ज़्यादा सीवियर सिम्टम ये हो सकते हैं कि उसको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मौत भी हो सकती है। पिछले एक साल से भी ज़्यादा से अगर गोदी मीडिया हमको खोखली जीत के दावे दिखाने की बजाय, झूठी तारीफ़ें दिखाने की बजाय, गैर ज़रूरी मुद्दों पर खबरें दिखाने की बजाय अगर सिर्फ कोविड से जुड़ी हुई खबरों के बारे में बताता, जनता को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताता, तो शायद जनता आज अपने लेवल पर कोविड से बचाव की कुछ ना कुछ तैयारी करके रख सकती थी। एक तैयारी इसी तरीके से हो सकती थी एक मशीन को ख़रीद के रखने की जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहा जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी मशीन है जो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन कैप्चर करती है, उसको कंसंट्रेट करती है और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। आज के दौर पे ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी है इंडिया में और ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में हमको डेली सुनने में आ रहा है कि लोग मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी मशीन है जो 50,000 से लेके 25,000 तक एक अच्छी खासी मशीन आ जाती है और उसको ख़रीद के लोग अपने घर पे रख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत हो तो उससे वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज वाकई देर हो चुकी है क्योंकि आज अगर आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ख़रीदने जाएं तो शायद ही आपको मार्केट में मिले। इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि 1 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है। लेकिन अगर इसके बारे में वक्त पर लोगों को जागरूक किया जाता तो शायद लोग इसको ख़रीद सकते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इसको ख़रीदने की कोशिश करें। अगर ये आपको मिलती है तो 50,000, 1,00,000 ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। इससे ज़्यादा तो लोग खर्च कर देते हैं जब अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। इस मशीन को ख़रीदें। अगर ये आपके काम ना भी आए तो हो सकता है आप किसी और की जान बचा सकें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे। थैंक यू।